ये हैं हरिचरण प्रसाद। पिछले 10 साल से दिल्ली के गोल मार्केट में रह रहे हैं, लेकिन पिछले 5 से 6 साल से ज्यादा परेशान हैं। परेशान है इस प्रदूषण से, पहले ही सांस की बीमारी, ऊपर से बढ़ते प्रदूषण से इनका जीना मुहाल कर दिया है। प्रदूषण की समस्या ने इन्हें वेंटिलेटर पर ला दिया। 10 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए थे कि अब 2 से 3 दिन से परेशानी और बढ़ गई है। 3-4 दिन से मैं बहुत ज्यादा हो रहा है दिक्कत, जैसे बाहर निकलते हैं तो और सांस ज्यादा फूलने लगता है, तब बाहर हम निकलने नहीं देते हैं, पूरा खिड़की पूरा बंद करके रखते हैं, पर्दा वर्दा सब लगा कर रखते हैं, फिर भी ज्यादा सांस फूलने लगता है। लग रहा है ये जो बढ़ता जो प्रदूषण है, हाँ, ये दिक्कत बढ़ा हाँ, रहा है। और क्या, यही से ज्यादा हो रहा है। हम तो पहले डॉक्टर साहब से, सब डॉक्टर साहब के मेहरबानी है जो हमारा आदमी बच गए, ना तो हमारा आदमी बचते नहीं, जैसे हुआ था वैसे बचने लायक नहीं थे। ये हैं कमलेश, रोहिणी में रहती हैं, फिलहाल अस्पताल के चक्कर काट रही हैं। दिवाली की बीती रात इनके लिए काली रात बन गई। बढ़ते पोल्यूशन की वजह से इनके पति की तबीयत खराब हो गई और इन्हें रात को ही अस्पताल जाना पड़ा। मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम थी रात को, तो उनको सांस नहीं आ रहा था और इतना पोल्यूशन था, सोसाइटियों में पटाखे चला रहे थे, रात के 2 बजे तक पटाखे चलते रहे और पूरी लड़ी जो जिसको कोर्ट ने बैन किया हुआ है उसका कोई असर ही नहीं हुआ। तो पुलिस भी है जिसको इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा, तो पुलिस स्टेशन पास ही है, उनको सुनाई देता है। तो जब उनको इतनी फैसिलिटी मिली हुई है, इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, तो फिर वाई नॉट पुलिस उसको एक्शन क्यों नहीं लेती? उनको राउंड लगाना चाहिए आफ्टर 10। तो 9 के हस्बैंड को ये पहले से ही सांस की बीमारी थी या नहीं? थोड़ी है। अच्छा। लेकिन दिखाना होता है, इलाज करते हैं, नेबुलाइजर देते हैं, बट मेरे किचन में धुआं धुआं भर गया, मतलब पोल्यूशन इतना आ गया। ये केवल 1 या 2 मामले नहीं बल्कि बढ़ते प्रदूषण से, खासतौर से दिवाली के पटाखों से कईयों को अस्पताल के चक्कर काटने पर मजबूर किया। दिवाली की अगली सुबह ओपीडी फुल नजर आई। इस डेफिनेटली इंक्रीज है, इनफैक्ट 2 दिन पहले से ही शुरू हो गया था बढ़ना और अब एकदम से आज का जो दिवाली का बिल्कुल अगला दिन है, काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी बीमारी बढ़ी हुई है और अभी भी काफ़ी तादाद बढ़ी हुई है बाहर पेशेंट्स की। हमने अभी 2 एडमिट भी किए हैं, इनके सांस की दिक्कत ज़्यादा है, रात को भी एडमिट हुए एक मिडल ऑफ द नाइट, उनको भी एक एल्डरली लेडी है, एक एल्डरली मेल है, मतलब इस तरह के पेशेंट रात भर भी आते रहे जो सांस की दिक्कत से आए हैं हमारे पास। देखा जाए तो पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हालात बेहद खराब बने हैं। दिवाली के बाद गुरुवार सुबह दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब की श्रेणी में बढ़ गई है। राजधानी के ज्यादातर हिस्से स्मॉग की सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो पोल्यूशन से बचा हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आंखों को, सांस में दिक्कत दे रहा है, वो हार्ट को भी दिक्कत दे रहा है, वो किडनी को भी दिक्कत दे रहा है, क्योंकि PM2.5 इतने छोटे कण होते हैं वो सीधा लंग्स से जाके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब वो जब एंटर करते हैं तो हर एक पार्ट में जाएगा, क्योंकि ब्लड में एंटर कर चुके हैं, सो वो जाकर हर एक को नुकसान पहुँचाएगा। तो फ्यूचर में हम बहुत खतरनाक बीमारियाँ देख रहे हैं, हम सांस की दिक्कत देख रहे हैं, हम कई प्रकार के कैंसर तक देख रहे हैं। अगर इस तरह चलता जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए जीना। बुधवार को देश भर में दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। जहां एक ओर देश रोशनी से जगमगा रहा था तो दूसरी ही तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राजधानी दिल्ली में जमकर पटाखे फोड़े गए कि पहले से ही पॉल्यूशन की मार झेल रही दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए 8 से 10 बजे यानी करीब 2 घंटे का समय दिया था, लेकिन लोगों ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। शाम से शुरू हुए पटाखे फोड़ने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। लोगों को सलाह दी गई थी कि अगर पटाखे फोड़ें तो ग्रीन पटाखे फोड़ें जिससे पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो। हालांकि कभी भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया, लोगों ने जमकर तरह तरह के पटाखे फोड़े, आतिशबाजी की। बहरहाल पॉल्यूशन का सितम जारी है, लेकिन ये पॉल्यूशन सिर्फ लंग्स को ही खराब नहीं करता बल्कि पूरे शरीर को जानलेवा बीमारियों का शिकार बना देता है। बहरहाल अब इस पोल्यूशन के शुक्रवार तक ही कम होने के आसार लगते हैं और थोड़ी बहुत आस मौसम से है जो हमें इस पोल्यूशन से निजात दिलाए। कैमरा पर्सन ललित के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।